हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शून्य का आविष्कार। आखिर शून्य का आविष्कार किसने किया और कहाँ पे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार सबसे पहले भारत में ही हुआ था, जो कि भारतीयों ने ही शून्य का आविष्कार किया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है, यहाँ पर देते हैं इतिहासकारों का ऐसा मानना है, कि वैदिक सभ्यता काल 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी ईसा पूर्व में 876 ईस्वी के आसपास शून्य का आविष्कार हुआ था। शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ही किया था। अब हम इसमें समझेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वैदिक सभ्यता काल यानी 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी ईसा पूर्व में 876 ईस्वी के आसपास में जो है शून्य का आविष्कार जो है भारत में ही हुआ था, यानी भारतीय लोगों ने ही शून्य का आविष्कार किया था लगभग 876 ईस्वी में। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि शून्य को दर्शाने के लिए एक छोटा सा गोला, इसमें आप लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा शून्य को दर्शाने के लिए एक छोटा सा गोला बनाया गया था जिसको संस्कृत में रिक्त का नाम दिया गया था। यहाँ पे क्या बोले, इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि वैदिक सभ्यता काल यानी 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी ईसा पूर्व में 876 ईस्वी के आसपास शून्य का आविष्कार हुआ था, और वह किसने किया था, भारतीयों ने 876 ईस्वी में शून्य का आविष्कार किया। और शून्य को दर्शाने के लिए एक छोटा सा गोला बनाया गया जिसको संस्कृत में रिक्त का नाम दिया गया। और ये तो हम समझ गए कि 876 ईस्वी में शून्य का आविष्कार हुआ, उसे भारतीयों ने ही किया, और शून्य को दर्शाने के लिए एक छोटा सा गोला दिया गया है और उसे संस्कृत में रिक्त का नाम दिया गया। और आधुनिक यानी अभी के टाइम में जो 1 2 3 4 देखते हैं हम लिखा हुआ, आधुनिक मानक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो हैं आधुनिक मानक अंक। अभी के टाइम में जो हम जिस अंक का उपयोग करते हैं, यह भी अंक जो है भारतीय द्वारा ही विकसित किया गया था। हम लिख सकते हैं आधुनिक मानक अंक भी भारतीयों द्वारा ही विकसित किए गए थे। यानी कि आधुनिक अंक जो 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 9 तक जो हम डिजिट पढ़ते हैं, उसका भी आविष्कार भारतीयों द्वारा ही किया गया था। भारतीयों से ही सीखा था अरबी लोग यानी अरब देश के लोग। यहाँ पर लिख सकते हैं भारतीयों से अरबों ने इन्हें सीखा। यानी इसमें हम क्या समझे, सबसे पहला कंडीशन, इतिहास का ऐसा मानना था इतिहासकारों का कि 1500 ईस्वी से लेके
600 ईस्वी में ईसा पूर्व में 876 ईस्वी के आसपास में शून्य का आविष्कार हुआ। शून्य को दर्शाने के लिए एक छोटा गोला का इस्तेमाल किया गया और जिसे संस्कृत में रिक्त का नाम दिया गया। आधुनिक मानक अंक जो 1, 2, 3, 4 हम पढ़ते हैं, वंश लेके 9 डिजिट जो है, वह भी भारत में ही विकसित हुए और यहीं से अरब देश के लोग यानी कि पश्चिम सभ्यता के लोग जो यूरोपियन लोग हैं वो यहाँ से सीख के और अपने अपने देशों में इसका उपयोग करना शुरू कर दिए। अब हम बात करने वाले हैं अंक तालिका। अंक तालिका हम जो पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब जो पढ़ते हैं वो कहाँ तक होता है, उसका अंत बिंदु कहाँ तक है, उसके बारे में हम आज वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले होता है इकाई। इकाई हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे भारतीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति, अंकन पद्धति यानी भारतीय पद्धति सबसे पहले हम जानेंगे। भारतीय पद्धति में क्या क्या होता है। इकाई जो है आप इसको इकाई को लिखिएगा 1 और इस पर पावर कितना हो जाएगा 0। दहाई लिखिएगा तो दहाई में हम लिखेंगे कितना, 1/1 0। इसमें लिखेंगे 10^1, क्या कि 1 0 है इसलिए 10^1। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा जो है इसमें हो जाएगा 1/00 और इसे हम लिखेंगे 10^2। उसके बाद है हज़ार, हज़ार है तो हम इस पर लिखेंगे 1/3 0, ये हो गया हज़ार और इस पर हम पावर लिखेंगे 10^3। अब हो जाएगा हज़ार के बाद 10,000। जब 10,000 होगा तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे और इस पर लिखेंगे 10^4। अब हम बात करने वाले हैं 10,000 के बाद आएगा लाख, पहले इसको लिख देते हैं लाख, 10 लाख, 10 लाख। उसके बाद आएगा करोड़, करोड़ के बाद आएगा 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद हो जाएगा यहाँ पे अरब, 10 करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद हो जाएगा 10 अरब, 10 अरब। फिर 10 अरब के बाद अगर बात की जाए वो हो जाएगा खरब, खरब, खरब। उसके बाद इसमें फिर लिखेंगे 10 खरब, 10 खरब, ये गलत है यहाँ पे, 10 खरब। उसके बाद 10 खरब के बाद आएगा नील, 10 खरब के बाद नील, और नील के बाद आएगा पदम, यहाँ पे नील हुआ तो उसके बाद यहाँ पे 10 नील, 10 नील, 10 नील के बाद हो जाएगा पदम, पदम, इसमें भी आप लिखिएगा 10 पदम, 10 पदम। उसके बाद अंतिम और आखिरी जो बचेगा वो हो जाएगा शंख, शंख, उसके बाद हो जाएगा 10 शंख, 10 शंख। ये सब तो हम लिख दिए, अब इनका हम लिख देते हैं बारी बारी से। ये जो 10 लाख है इस पर आप कितना सुना दीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10^5 और यहाँ पे लाख का 10^5 हो जाएगा। वही अगर बात की जाए 10 लाख की तो इस पर आप पावर दीजिएगा 10^6। उसके बाद ये जो करोड़ वाला है इस करोड़ वाला पे आप लिखिएगा 10^7। उसके बाद 10 करोड़ वाला पे आप लिखिएगा 10^8। अरब वाला पर लिखिएगा 10^9। 10 अरब में लिखिएगा 10^10। खरब में लिखिएगा यहाँ पे खरब जो है इसमें आप लिखिएगा 10^11। उसके बाद 10 खरब में लिखिएगा 10^12। नील में लिखिएगा 10^13। उसके बाद 10 नील में लिखिएगा 10^14। उसके बाद पदम में लिखिएगा यहाँ पे पदम जो है इसमें आप लिखिएगा 10^15। उसके बाद यहाँ पे 10 पदम में लिखिएगा 10^16। संख में लिखिएगा 10^16 के बाद 17। यहाँ पे 10 संख में लिखिएगा 10^18। ये हो गया हमारा। अब अंतिम और आखिरी जो बच जाता है उसका नाम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड में, उसका नाम हो जाएगा महासंघ, महासंघ। इसमें हम लिखेंगे महासंघ में
10 पर पावर 19। अब इसे हम एक बार फिर से समझेंगे। पहला होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, पदम के बाद है 10 पदम, संख, 10 संख, उसके बाद यहाँ पे महासंघ। क्या बोले? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, उसके बाद अंतिम और आखिरी महासंघ। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।